वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता, तैयारी, सम्मान की मैथ्स की एक स्पेशल क्लास लेकर आपके साथ फिर से उपस्थित है। तो फटाफट से आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर एक के साथ। प्रश्न संख्या एक हमसे कहता है कि एक व्यक्ति है, वह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर सकता है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मुझे यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इज मल्टीपल बाई टाइम करना पड़ेगा, और डिस्टेंस कवर अप करने के लिए स्पीड हमारी 40 है और टाइम 6 लग रहा है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितने किलोमीटर हो गए, 240 किलोमीटर। वह 4 घंटे में अगर उसी दूरी को तय करना चाहते हैं तो उसकी गति क्या होनी चाहिए? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपनी हो गई 240 और घंटे हमारे लगने हैं 4, तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा हो गया भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 4 × 24। दिस इज द ऑप्शन नंबर 4th इज द राइट आंसर। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न में चले आते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है कि 17 परिणामों का जो औसत है वह भाई 60 दिया गया है। तो औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ से अगर हम कुल योग निकालने लगे तो 17 × 102 यानी कि 1020 हो गया। यदि पहले 9 परिणामों का जो औसत है वो 57 है, अब मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट 9 परिणामों का औसत 57 है, और उसके बाद कहता है कि पिछले 9 परिणामों का जो औसत है वो 65 है, तो अगले 9 परिणामों का औसत हमें 65 दे दिया गया है, तो 9वें परिणाम का औसत बता दीजिएगा। तो अगर ये टोटल 9 और 9 18 होता है, अगर मैं इसमें से ये 17 वाला कम कर दूं तो मुझे 9वां मिल जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, 9 तो रहेगा ऐसे ही, 7 और 5 कितना होता है 12 हो जाता है, 6 और 1 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस का 1020 चलेगा। अब 9 × 18 एक 19, 9 × 1 = 9 हो जाएगा, ठीक है, और 1 कैरी आउट चल रहा है तो ये कितना हो जाएगा 10, कैरी आउट भी तो चल रहा है क्योंकि 19 में दोनों के मध्य का अंतर कितना आया भाई 78। इसका मतलब कि जो 9वां परिणाम है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 78, और 78 बोले तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये वाला जो नंबर आपने लिखा वो कैसे लिखा है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ ये गुणा कर लीजिए, गुणा करने में कोई भी टेंशन नहीं है, सब कुछ स्पष्ट रूप में दिया गया है। आइए तो इसी के साथ अगले प्रश्न पर फोकस करते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है जरा एक बार देखेंगे कि ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, वही ए किसी काम को 20 दिन में कर जाता है, बी किसी काम को 24 दिन में कर जाता है, और सी उसी काम को अगर 30 दिन में कर लेता है, और वे तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद बी नौकरी छोड़कर चला जाता है, और कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो इन तीनों को लपेट लेते हैं, यानी कि एलसीएम 120, तो 20 × 120 24 × 5 = 120 30 × 4 = 120। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा बी 4 दिन बाद छोड़कर चला गया, इसका मतलब 4 दिन तो तीनों ने मिलकर किया, 6 × 4 = 10 और 5 = 15। अब 4 दिन सब मिलकर करेंगे, 15 कार्य प्रतिदिन करेंगे तो 60 कार्य कर जाएंगे, जब 120 में से 60 कार्य से बचेंगे कितने 60। अब ये 60 कार्य करने कौन आएगा भाई, इन 60 कार्य को करने आएंगे ए और सी, क्योंकि बी तो जा चुका है, तो ए और सी 6 और 4 = 10 मिला के कितने दिन लेंगे 6 दिन। अब 6 दिन तो ये वाले और 4 दिन ये वाले, तो 6 + 4 मिला के कुल कितने दिन लगने वाले हैं 10 दिन, यानी कि जो टोटल कार्य था वो 10 डेज में समाप्त हो गया। दिस इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चले जाते हैं। कोई भी तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और सेशन को कम से कम 2 बार अवश्य देखिएगा। 34% छूट के बाद एक वस्तु को 3,168 रुपए में बेच दिया जाता है, जब टोटल हमारा 100% होता है, 34% का हम डिस्काउंट दे देंगे तो शेष कितना बचेगा 66%, यानी कि 3,168 जो हमारी वैल्यू है वह 66% की, और हमें चाहिए 100% क्योंकि हमसे चिन्हित मूल मांगा गया है। तो 11 × 66 11 × 22 22 में से बचेगा 9, 11 × 8 = 88 11 × 8 = 88 6 से काट लेते हैं 6 × 24 6 × 8 = 48 यानी कि चिन्हित मूल उस वस्तु का जो था वो था 4800 और 4800 बोले तो ऑप्शन नंबर 3rd इज द राइट आंसर। तैयारी सम्मान की चल रही है, ना अभिमान की चल रही है, ना गुमान की चल रही है, सिर्फ और सिर्फ बात सम्मान की है, इसलिए सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये लिखा हुआ थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, मैं आपको यहाँ पे हटा के लिख देता हूँ। इसका अर्थ यह है कि 6 की घात 256 है और माइनस की 4 की घात भी 256 है, इनमें बताना है कि इकाई का अंक क्या आएगा। तो मैं आपसे सिंपल सी कहना चाहता हूँ कि 6 की घात अगर सम संख्या होती है तो उसमें इकाई का अंक 6 ही होता है, और 4 की घात अगर सम संख्या होती है तो भी इकाई का अंक 6 आता है। ये चीजें दोनों रट लीजिएगा, और भी कोई ऑप्शन आपके साथ फिलहाल नहीं यूज करना।
तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, दोनों का अंतर किया तो आया कितना 0, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगले प्रश्न में चले आते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक व्यापारी ने लागत मूल्य से 30% ऊपर अपने मूल्य को चिन्हित कर दिया, यानी कि मैं कह सकता हूं प्लस का 30% कर दिया, फिर वह इस पर भी छूट दे देता है, यानी कि मान लो कि के परसेंट का इस पर डिस्काउंट दे देता है, तो 10.5% का लाभ कमा लेता है, यानी कि ओवरऑल वह फिर भी 10.5% का क्या कमाता है, लाभ कमा लेता है, तो फिर छूट की दर जो थी वो कितनी थी। आइए तो इस प्रश्न को मैं बना देता हूं, 30% प्लस का जाएगा, के परसेंट माइनस का जाएगा, माइनस का 30 × k/100 हो जाएगा, तब भी वह 10.5% कमा के चला जाएगा। यहां तक की कैसी आपको क्लियर होगी, अगर यहां तक की सभी चीजें क्लियर हैं तो फटाफट से जरा एक बार फोकस करें। ये 30% और ये वाला हमारा इधर को ले आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 से ये 10 कैंसिल कर लेते हैं और इसके अपॉन कर लेते हैं 10, तो इसकी गुणा में भी करना पड़ेगा 10, ठीक है। और इसे ले चलते हैं उधर, कुछ लोग कहेंगे कि अगर 30 है, 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 बचेगा, यानी कि बचा हमारे पास 19.5, और ये देखो 10 और ये 3 कितना हो गया, 13 के अपॉन आया 10। अब मैं आपसे कहूंगा कि जब हम ये वाला दशमलव हटाएंगे तो 10 और 10 से 10 कैंसिल और 3 × 18, 3 × 5 = 15, यानी कि k की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 65। बातें अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी को तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे, और कहीं भी अगर कोई तकलीफ हुई हो तो भी आप अवश्य करके बताएंगे कि कहानियां आपकी बहुत बढ़िया चल रही है, किसी भी प्रकार की टेंशन वाली बात अभी तक नहीं होनी चाहिए। अब ये रहता है कि 65 कैसे आ गया, तो वो चीज मैं आपको पुनः एक बार समझा देना चाहूंगा और चीजों को समझ लीजिएगा। मैंने कहा कि 30% कोई व्यक्ति अधिक रखता है और के परसेंट का डिस्काउंट दे देता है, माइनस का के गुणा 30, R1 R2 वाला वही 100 चला रहे हैं, और ये 10% का हमारा क्या कर लेता है, फिर भी हमारा ये व्यक्ति 10% का लाभ कमा लेता है। यहाँ तक की चीज क्लियर होगी, अगर यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है तो भी मैं आपसे कह रहा हूँ, और अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ हमें ये फोकस करना है कि हम चीज़ें कर कैसे रहे हैं। अगर हम यहाँ तक की सभी चीज़ें क्लियर कर पा रहे हैं तो हम किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेंगे। अब देखो यहाँ थोड़ा सा एक करेक्शन कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं। मैं आपसे कहूँगा यह भी किया और यह भी किया, दोनों को सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि इन दोनों पॉइंट को उठा के इधर ले चलो और इस वाले पॉइंट को उठा के इधर ले आओ, तो 30 में से ये अपना क्या होगा कि 10.5 कम हो जाएगा और ये वाला इधर जाके के हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा 3 k/10, ठीक है। इसके अपॉन एक करके एलसीएम ले लेते हैं तो ये 10 और 3 कितना हो गया 13 k अपॉन में 10 रहेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 30 है, 30 में से देखो 10 में से 5 गए तो बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा 9, तो 9 का 9 आ जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब जब ये वाला केस हटाएंगे तो ये 0 से 0 और 13 से काटेंगे तो 13 × 13 = 13 आएगा, ठीक है, बचेगा 6 × 13 = 65 आएगा। वहाँ काटने में सॉल्व करने में थोड़ी तकलीफ हुई, इसलिए ये कितना हो जाएगा भाई सीधे सीधे 15%। कैलकुलेशन काफी बेस्ट रहनी चाहिए, जहां सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड वन इज द राइट आंसर। क्लियर, कहीं कोई तकलीफ हो तो कमेंट कर देना। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि भाई एक महोदय जी प्रदीप जी थे, प्रदीप जी ने 9100 रुपए के साथ एक व्यापार में साझेदारी स्टार्ट कर दी, तो मैं कहता हूँ भाई 9100 रुपए लगा लो, और इन्होंने कहा 3 महीने के लिए हम लगाएंगे। दूसरे मंजीत जी थे, मंजीत जी ने 6825 रुपए 2 महीने के लिए लगा दिए, और तीसरे हमारे रमेश जी हैं, इन्होंने 8190 रुपए 5 महीने के लिए व्यापार में लगा दिए। यदि कुल लाभ में ₹4185 का टोटल लाभ होता है तो ये बता दीजिएगा कि प्रदीप का जो लाभ है वो रमेश से कितना कम है, यानी कि हमें डिफरेंस बताना है प्रदीप और रमेश के लाभ का जो अंतर है वह कितना है। इस केस में हम क्या करेंगे वो चीज देखते हैं। चलो मैं इंक चेंज कर लेता हूं आपकी तकलीफें कम करने के लिए। बात कुछ ऐसी है, लगे आपको चाहे कैसी भी है, लेकिन मैं कहूंगा 5 × 5 ये हो जाएगा 18 × 5 = 15, बचेगा 3 × 5 = 30 और 5 × 5 = 25, और ये भी 5 से काट लेते हैं तो 5 से काटने पर 5 × 5 बचेगा 4 × 5 = 48, बचेगा 1 × 5 = 10 और 0 का 0। अब मैं कहूंगा कि ये कोई नंबर किसी भी नंबर से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो वो चीज़ आपको एकदम फटाफट से चीज़ देखनी है।
मैं कह रहा हूं कि दो इकन दो हमारा रहता है, और दो चौक आठ हो जाएगा, और दो ने अठारह, दो पंजे दस हो जाएगा, ये दो से कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा दो ने अठारह जीरो एक। यहाँ से हमारा जो वैल्यू मिल जाएगा वो हो जाएगा 910 गुणा 3 अनुपात 1365, और अनुपात आ जाएगा 40:95। दिस इज द राइट इन्फॉर्मेशन, बट मैं अब आपसे कहूंगा कि 13 की टेबल पढ़ लेते हैं। तो 1365 इकन 1365, 1365 दिया 4045, और 1371 यह वाला केस चलता है, ये चला जाएगा अपना दो बार, यानी कि इनका रेशियो आया अपना 2:1:3। हमसे कहा प्रदीप का लाभ रमेश के लाभ से कितना कम है, यानी प्रदीप और रमेश के लाभ का अंतर हमें बताना है। तो फर्स्टली एक चीज सोचेगा, ये 4885 रुपए जो है वो ये टोटल यूनिट की वैल्यू है, टोटल यूनिट कितनी यूनिट है, 6। अब प्रदीप जी कौन से थे, वो थे सबसे पहले वाले, और रमेश जी कौन से थे, वो थे तीसरे वाले, और इन दोनों के मध्य का अंतर कितना है, 1, तो अंतर हो गया 1। इसे भाग कर लेते हैं तो भाई कितनी बार चला जाएगा, 6 संख 36 होता है और 6 सत्ते हो जाता है 42। 7 बार तो जाने का नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, और ये भी कोई मतलब बचे नहीं, तो ये हो जाएगा 697.5। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्लियर। अब आप कहेंगे सर आपने कैलकुलेशन 1365 की टेबल पढ़ ली, तो भाई पढ़नी पड़ेगी आपको, या आप छोटे नंबर से काटते रहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आ जाता हूं आपके साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहने वाला है, इस प्रश्न को पढ़ते चलें और प्रश्न को सॉल्व करने का जरूर प्रयास करिएगा। अगर ये सेशन पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और पसंद ना आए तो भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक की बहुत जरूरत है। अरे भाई पसंद आए या ना आए वो एक अलग बात, लेकिन आप लाइक ना करके गए ये बहुत गलत बात है, समझ रहे हो ना। पवन और उसकी बहन की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वह 3:4 है। मैंने कहा पवन है, पवन की सिस्टर है, 3:4 रखते हैं, और ये वर्तमान के केस में है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:10 था, तो 13:10 था, ये 10 वर्ष पहले का अनुपात था। आइए इस नए कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, 3 और 4 का अंतर 1 आता है, 13 और 10 का अंतर 3 आता है, तो नीचे वाले अंतर से ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं, 3 3 9 4 3 12 अंतर आ गया 3, 3 3 9 और 13 का अंतर कितना आया, 4 आया, ठीक है, 4 3 12 और 10 का अंतर 2 आया, 3 3 9 और 13 का अंतर कितना आया भाई, 4 आया। भाई एक चीज हमने गलती कर ली है, क्योंकि ये 19 दे रखा है, सॉरी। क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा ठीक प्रकार से, क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा ठीक प्रकार से, क्योंकि उनका जो वर्तमान का अनुपात है वो 3:4 है, तो 3:4 ये पवन और पवन की सिस्टर का ये वर्तमान का है, लेकिन 10 वर्ष पहले का जो अनुपात है वो 13:19 है। ये देखो ना मैंने 10 लिख दिया, गलत कर लिया, ये 19 दिया हुआ है। आइए इसका रेशियो लेते हैं, 1 आ जाएगा और इनका अंतर आएगा 6, तो इसमें 6 से नीचे वाले से गुणा कर देते हैं, ये हुआ 24, ये हुआ 18, 18 24 का अंतर 6 आया, 18 और 13 का अंतर आया 5, 5 यूनिट 10 के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर किसके हो गई, 2 की। पवन की वर्तमान आयु, तो पवन की वर्तमान आयु 6 3 18 यूनिट, 1 यूनिट 2 है, तो 18 यूनिट कितना हो गया, 18 2 36 वर्ष, और 36 वर्ष हमें कहां मिलने वाला है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। आप कहेंगे ये कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आया, तो समझना पड़ेगा, बार बार सेशन को देखिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा, और उसके बाद जब अध्याय बार अध्याय कराएं अध्ययन कराएं तो भी देखिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी। अगला प्रश्न हमसे क्या कहना जा रहा है, क्योंकि आपको एग्जाम के लेवल में चलना पड़ेगा भाई, मान ना अभिमान, तैयारी सिर्फ सम्मान की है। अब सम्मान की तैयारी करनी है, सम्मान की नौकरी लेनी है, तो मेहनत भी आपको सम्मान के साथ ही करनी पड़ेगी, बाकी कोई अभिमान की बात है ही नहीं। एक आदमी 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घंटा से ट्रेन पर 600 किलोमीटर की यात्रा करता है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जहाज द्वारा 600 किलोमीटर की यात्रा करता है, और 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 500 किलोमीटर हवाई जहाज से जाता है, और कार द्वारा 300 किलोमीटर की डिस्टेंस 60 किलोमीटर प्रति घंटा से संपूर्ण यात्रा की औसत दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बौखला जाओगे जरा देखते देखते। आइए जरा आईने में आपका चेहरा नजर कराते हैं। सबसे पहले ट्रेन से 600 किलोमीटर की यात्रा की, 600 को 80 से डिवाइड कर लीजिएगा, कितने 7.5 घंटे हो जाएंगे। उसके बाद आएंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटे से जहाज द्वारा 600 किलोमीटर की यात्रा की, तो 600 किलोमीटर की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा, तो 30 से भाग करने पर 20 घंटा लगेगा। आगे आते हैं, हवाई जहाज से 500 किलोमीटर की यात्रा करता है, और वह 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 500 को 400 से भाग करेंगे, 1.25 घंटे हो जाएंगे। अगला स्टेप चलते हैं, कार द्वारा 300 किलोमीटर की डिस्टेंस जाता है, और 60 से अगर 300 को भाग देंगे
तो 5 चला जाएगा भाई, कुल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम ले लिया है, बाकी कोई जरूरत नहीं थी। 600, 600, 1200, 1200, 500, 1700, 1700, 300, 2000, ऊपर का वैल्यू अपना 2000 हो गया, नीचे का जोड़ लेते हैं। तो देखिएगा 20, 20, 5, 25, 25 और 7, 32, 32.5, 32.5 और 1, 33.5, ये हो गया 33.75। अब आप कहोगे इसे सॉल्व करना है, तो मैं आपको शानदार कहूंगा 33.75 से अगर भाग करेंगे तो चला जाएगा 59.25, क्योंकि ये सीधे सीधे 5 बार से अधिक जा ही नहीं रहा, तो इन सब का तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी। और ये स्पीड है औसत, तो आएगी किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए, मैंने कहा था कि एक मैच का इस समय सेशन चल रहा है आईपीएल, तो उसी के साथ साथ मैं भी आपके लिए तैयारी सम्मान का लेकर आया हूं, जो कि आपको प्रतिदिन रात 8 बजे जय स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक सेशन मिल रहा है, इसे भी देखना मत भूलिएगा। आईपीएल तो जरूरी है, लेकिन आपकी जिंदगी को संवारने के लिए यह तैयारी सम्मान का सेशन मैच स्पेशल देखना भी बहुत जरूरी है। साथी, संबंधी, यार दोस्त, दुश्मन, मित्रगण, प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं, जितने भी लोग इसे देखें वो प्यार के साथ एक बार इसे शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होता है। आइए अब इस प्रश्न को बना लेते हैं, और यह प्रश्न बहुत शानदार है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत मुझे 10 बता दिया गया है, तीसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। आप कहेंगे कि तीन क्रमागत सम संख्याएं, तो मैं कहूंगा के, के प्लस टू और के प्लस फोर ले लीजिएगा, और इनका वैल्यू 10 दिया कितना हो गया 30, 1 के 2 के 3 के, 3 के बराबर बचा कितना 24, तो के बराबर कितना हो गया 8, यानी पहली संख्या हो गई 8, दूसरी हो गई 10 और तीसरी हो गई 12। बातें समझ में आ रही है। कहता है तीसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो तीसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है, दोनों का डिफरेंस बाई प्रथम। अब देखिए यह आया 4 और यह आया 8, गुणा चल रहा है 100, तो 4 × 8 और 2 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा 50%, दैट इज दिस वन इज द ऑप्शन नंबर 4th वन इज राइट आंसर। स्वयंप की उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहूंगा कि यहां तक के 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं तथा सेशन को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आज आप प्रथम बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि आगे की हर एक अपडेट आपको समय से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।